नमस्कार, मैं साक्षी कुक्कड़ फाइटर समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। इस वक्त जो समाचार आ रहा है वो है राजस्थान के श्री गंगानगर से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के 2 दिवसीय दौरे के चलते एक सभा के दौरान एक युवक ने उस वक्त जिला अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुल कर दी जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया श्री गंगानगर के सुखाड़िया सर्कल चौक पर सभा को संबोधित कर रही थी। कल वसुंधरा राजे सिंधिया सुबह अनूपगढ़ में सभा को संबोधित कर रायसेनगर पदमपुर चुनावड़ होते हुए कल रात्रि 8 बजे श्री गंगानगर के इस सभा स्थल पर पहुंची थी। सभा को संबोधित कर ही रही थी कि जवाहर नगर के सेक्टर 4 निवासी हरीश गोस्वामी, जो प्राइवेट नौकरी करते हैं तथा MA तक शिक्षित हैं, वे मुख्यमंत्री से कुछ कहने के लिए हाथ उठाया। मुख्यमंत्री ने हरीश को मंच पर बुलाया तथा बात पूछी तो उसने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था व सड़कों का जनाजा निकला हुआ है। बरसात आने की स्थिति में यहाँ बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। इतने सुनते ही CM जिला अधिकारियों पर आक्रोशित हुई तथा जिला कलेक्टर को मंच पर ही बुला लिया। CM ने जिला कलेक्टर को अव्यवस्था पर जमकर फटकार लगाई तथा रात को ही जिला प्रशासन के साथ मंत्रियों को शहर के दौरे के लिए भेज दिया। शहर की जर्जर व्यवस्था की रिपोर्ट देखकर CM ने रात को नगर परिषद आयुक्त सुनीता चौधरी को APO करते हुए करौली के लिए रुखसत कर दिया तथा आज से ही सुखाड़िया मार्ग से मीरा मार्ग सड़क को शुरू कर दिया। और क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, पैसे बार बार आपके पास भेजेंगे। आप इनका कहना है एक आपके रोड टूटे हुए, चुप रहे, एक तो आपके रोड टूटे हुए नंबर 1। नंबर 2 इनका कहना है कि अगर बरसात होती है तो पूरा का पूरा गंगानगर डूब जाता है। कहना है कि अगर बरसात होती है तो पूरा का पूरा गंगानगर डूब जाता है। नहीं नहीं, ये कटोरी नुमा हो सकता है, परंतु इतने दिन के अंदर अपने को कुछ तो सोचना चाहिए कि इसका पानी की निकासी किस तरीके से निकाल सके। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।